रथ यात्रा यानी जगन्नाथ यात्रा 20 जून से शुरू हुई है। यह 10 दिवसीय रथ यात्रा का कार्यक्रम किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी होती है और तीनों के लिए अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। ये रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण का रथ होता है। लेकिन इस रथ यात्रा की कुछ खास बातें हैं जिस बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। इन तीन रथों को बनाने के लिए 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं जिनका प्रयोग रथ के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को कट लगाया जाता है। इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श करवाया जाता है। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर कट लगाने का काम महाराणा द्वारा ही किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। यह भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। पंचमी तिथि को हैरा पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए आती है जो मंदिर छोड़कर भ्रमण पर निकल गए हैं। तब द्वेतापति दरवाजे को बंद कर देती है जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और रथ का पहिया तोड़ देती है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा नाराज देवी को मनाने की परंपरा है। रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व होता है। इस मौके पर घरों में कोई पूजा नहीं होती और ना ही किसी भी तरह का उपवास रखा जाता है। साथ ही यहाँ एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुँचने तक सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती है और आषाढ़ मास की दशमी तिथि पर रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं।